अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड टू सेवन पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा डिफरेंस इसका 6, है 6, 72, 96 into 7 है तो 7 आंसर होगा क्या किया मैंने समझाता हूँ देखो एक चीज याद रखना चाहिए सी आई में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे प्रिंसिपल जो होता है ये हर साल आर परसेंट से इंक्रीज होकर नया अमाउंट देता है ए वन फिर यह आर परसेंट से बढ़ जाएगा आपको नया अमाउंट मिलेगा ए टू एंड सो ऑन ऐसे ही जो इंटरेस्ट होता है ना हर साल आई वन यहाँ लिख दूँ मैं सपोज करो आई टू में यहाँ लिख दूँ तो ये भी हर साल आठ परसेंट से बढ़ता है यानी प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में आठ परसेंट ज्यादा होता है अगले साल का इंटरेस्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक प्रॉपर्टी है जो फार्मूला रखते हैं उनको शायद ना पता हो लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे इसको इस स्ट्रक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप हंड्रेड ले लो हंड्रेड ले लो वन ले लो टेन की बात कर रहा हूँ वन ले लो और यहाँ चेक कर लो ये डिफरेंस टेन है ये डिफरेंस एलेवन है अगला वाला डिफरेंस जो है वो पहले से टेन परसेंट ज़्यादा है ठीक है तो इस सिम्बल से पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ ये है ये वैल्यू आपको दी हुई नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये वैल्यू आपको दी है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू बस इसी का डिफरेंस निकाल लो डिफरेंस निकाल के इसके बेस पे परसेंटेज निकाल लो वही इंटरेस्ट है डिफरेंस आप देखोगे कहोगे सिक्स सेवेंटी टू हैूट मैगनीटूड इसका वन परसेंट जो बेस है ये बेस है बेस का वन परसेंट नाइन्टी सिक्स है तो नाइन्टी सिक्स टाइम सेवन रफली लग रहा है मुझे क्योंकि नाइन टाइम सेवन सिक्सटी थ्री के आसपास सेवन से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स थर्टी प्लस फोर्टी टू सिक्स सेवेंटी टू बराबर हो रहा है यानी सेवन परसेंट आंसर हो गया ठीक है इतना आसान संभाल था बस थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है तो आप ऐसे ओरली करोगे क्वेश्चन पढ़ा खत्म किया आंसर आकर ठीक है